हेलो गाइस, कैसे हैं सब। मेरा नाम है इब्राहिम, आप देख रहे हैं इब्राहिम अला वाला चैनल। तो आज ये वीडियो अगेन रिव्यू बेस होने वाली है। आज हमने रिसेंटली परचेज़ किया है मीको फ़ैन 1056, और जैसा कि यूके में थोड़ी सी गर्मी होना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे तो सीलिंग फ़ैन्स की कोई जगह नहीं बनी होती, तो बेस्ट रहता है कि आप जो है वो पेडिस्टिन स्टैंडिंग फ़ैन या डेस्क फ़ैन जो है ना वो आप ले लें। तो हमने भी अभी ये परचेज़ किया है मीको फ़ैन, तो इसका आज हम रिव्यू करेंगे और इसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से फंक्शन है इसमें, क्या इसकी प्राइस रही है और हमने कहाँ से परचेज़ किया है, तो सारा हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले। तो ये रहा हमारा फैन, इसको ओपन करता हूँ मैं। तो ये रही अनबॉक्सिंग, ये ब्रांडिंग का इनका लगा हुआ है, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये रहा फ़ैन, अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको इसकी कितनी स्पीड है, तो बोलो। और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कितनी स्पीड है। जो सबसे अच्छी बात थी इसकी कि इसकी 12 क्लिक स्पीड है, तो अभी मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। बाकी ये रही इसकी अनबॉक्सिंग, मैं इसको क्लोजअप व्यू से आपको दिखाता हूँ अभी। अभी हम इसको ऑन करते हैं। ये ऑन हो चुका है और ये नीचे इसका टच है और साथ इसका डिस्प्ले भी है। इसको ऑन करता हूँ मैं। तो ये ऑन हो चुका है और इसकी जो सबसे अच्छी बात थी वो मैंने जो पहले भी बताया कि इसकी 12 तक जो है ना स्पीड जाती है, तो इसको मैं स्पीड इसकी तेज़ करता हूँ। तो ये 12 तक इसकी स्पीड जाती है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। अगर आपने एक रूम में रखा हुआ है तो रूम के अगर एक कोने में पड़ा हुआ है तो रूम के दूसरे कोने तक जो है ना इसकी एयर जाएगी। तो ये थी ओवरऑल इसकी वीडियो, आई होप मैंने सारा कुछ कवर किया हो। और इसकी जो लास्ट में जो इसकी प्राइस थी और जो इस ये 2 साल की वारंटी में आता है, और हमने जो परचेज़ किया है इसे kadees.com.uk वहाँ से परचेज़ किया है ऑनलाइन, और हमें ये इंस्टॉलमेंट में पड़ा है। £10 जो है ना पर मंथ इसकी इंस्टॉलमेंट है और ये 12 मंथ तक चलेगी। तो जो टोटल इसकी कॉस्ट है वो £110 थी और इंटरेस्ट लगा के जो है ना ये £126 तक जो है ना हमें टोटल कॉस्ट करेगा। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू। आई होप मैंने सारा कुछ कवर किया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। फ़ैन के साथ हमें रिमोट भी मिलता है, इसको भी मैं चला के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हमने अगर स्पीड एडजस्ट करनी हो तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है और अभी 9 पे आ चुकी है। तो जो मैक्सिमम स्पीड है वो 12 तक जाती है और उसके बाद जो है ना वो आगे नहीं हो रही। तो ये रहा रिमोट, और इसके बाद इसके कुछ फंक्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओ सी एस पर जब हम क्लिक करेंगे तो फ़ैन जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की मूवमेंट में। तो साथ जो और अगर हम इसको ओ सी एस पर क्लिक करें तो फ़ैन जो है वो लेफ़्ट एंड राइट भी मूव करेगा साथ, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी मूव करेगा। तो मतलब ये आप कह लेंगे 360 मूवमेंट में चला जाएगा। तो ये थी, और साथ में हमारे पास इको मोड भी आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इको मोड में जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा और
जो है रूम टेम्परेचर के मुताबिक जो है ना हवा को फ्लो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर जो है वो 22 आ रहा है और उस हिसाब से जो है ना वो फ़ैन की मूवमेंट जो है ना वो चलती रहेगी। तो ये थी कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने कहा आपको बता दूँ।